अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एमजेएच पॉइंट की एक और नई वीडियो में खुश आमदी। नाजरीन, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। नाजरीन, ये जो मनाजर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मनाजर लवात बाला नीलम वैली के हैं। नीलम वैली को पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वैली भी कहा जाता है। सर्दियों में नीलम वैली के लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना होता है लवात बाला के लोगों को, क्योंकि लवात बाला की सड़कें सर्दियों के स्टार्टिंग में ही बर्फबारी से बंद हो जाती है। फिर ये सड़कें या तो लोगों को शदीद एहतजाज के बाद या अपनी मदद आप के तहत खोलनी पड़ती है। याद रहे, लवात बाला को सेहत के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि नीलम वैली की एक मशहूर झील पतलियां झील भी लवात बाला में वाकई है। गर्मियों में पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाले लाखों से आप पतलियां झील की खूबसूरती देखने के लिए लवात बाला का रुख करते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि पतलियां लेक की तरफ जाने वाली रोड भी सर्दियों में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो जाती है, और फिर ये रोड भी अवामी इलाका को अपनी मदद आप के तहत ही खोलनी पड़ती है। हुकूमत की तरफ से अगर कोई काम होता भी है तो वो भी शदीद एहतजाज के बाद किया जाता है। आज भी लवात बाला की सड़कों को बंद हुए 7 से 8 दिन हो चुके हैं। लवात बाला के लोगों को एशियाई जरूरियात की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है और लोगों को जरूरी सामान के लिए 10 से 15 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ रहा है। इतनी शदीद मुश्किलातों के बावजूद भी हुकूमत वक्त की तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं आ रहा और न ही रोडों को खोला जा रहा है। हमारी हुकूमती इदारों से एक गुजारिश है कि लवात बाला और पूरी नीलम वैली की सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बस अब आपसे भी एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आगाही पहुंच सके, और नए आने वाले हजरात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।